हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है संडे। तो अभी मेरे चाचू का फोन आया है, उनको चाहिए थोड़ा बहुत सामान, मतलब बाथरूम वगैरह में जो फिटिंग वगैरह होती है, शावर वगैरह। तो उन्होंने कहा भी देखाओ, तो अभी यहाँ जा रहे हैं जैगवार शोरूम में, शायद मिले और भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं, और साथ में लेके आने भाई चिन्नी चिन्नी कट्टा। चलो भाई चलते हैं। तो अभी जैगवार के शोरूम पे आ चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे वो वाला सामान मिलेगा जो हमें चाहिए या नहीं। तो भाई यहाँ शॉप पे तो हमने पूछ लिया, जो एग्जैक्ट चीज हमें चाहिए ना वो यहाँ पे नहीं मिली। तो अभी तीन चार और शॉप पे और पता करते हैं, शायद मिले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज मतलब कोई खरीदता नहीं, इस करके यहाँ पे इतने रखते नहीं ना। अगर चाहिए भी ना तो ऑर्डर करनी पड़ेगी, मतलब एग्जैक्ट अभी इनके पास पड़ी नहीं है। तो भाई अभी आ गए हम खल लेने, जल्दी से खल रखवाते हैं। चलो ये देखो भाई, ये मशीन होती है खल वाली, यहाँ ऊपर से कुछ डालो, यहाँ नीचे से खल निकलती है। देखो कितनी सारी खल है यहाँ पे, देखो ये इससे बनती है, इस मशीन से। तो भैया अभी रखवाते हैं कट्टा चिनिया जल्दी से, 50 किलो है ये, छोटा नहीं है कट्टा। हेलो सर, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया जमा। हेलो, कैसे हो भैया? संडे नो बस सर के पास जा गया बस। अच्छा, कितनी तेज धूप होगी यार। A few moments later. तो भाई अभी फिलहाल सामान आ चुका है, तो ये वैसे बांधते हैं, यहाँ पे शेड बनाएंगे हम ऊपर, ये देखो। तो दिन के टाइम जैसे यहाँ पे धूप भी काफी तेज होती है और बारिश हो तो दिक्कत होती है, कभी अंदर को बाहर को बैठ सको। तो भाई ये सिस्टम बढ़िया है, ये देखो शेड आ गया यहाँ पे, ये लगवा दी यहाँ पे। उस टाइम पे फोन किया था मैंने, उससे पहले के। अच्छा, और ये हमारा टेलर यहाँ पे कपड़े सिलते हुए। तो देखो भाई हमने दर्जी बदल लिया, एक और बुलाए बार थे स्पेशल, यो दर्जी है सूट सीमन वास्ते, वो है तरपाई करने वास्ते। तो भाई अभी आ चुके हैं घर पे छतरी लगाने, हम लगवा रहे नई डिश, तो मतलब दादी के लिए, हम तो देखते नहीं, तो ये थोड़ा नया प्लान है, कभी हमने ऐसे पहले डिश ट्राई नहीं करी, तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। तो ये डिश है टाटा प्ले की, देखते हैं। तो भाई डिश फाइनली लग चुकी है, ये देखो पहले ये लगा हुआ डब्बा, अब टाटा प्ले का आ गया, अभी सेटअप कंप्लीट हो रहा थोड़ा इसका। The next day. तो भाई आ जाए घर पे और सामान, इसके अंदर रेती, अभी सीमेंट कट्टा भी अनलोड करते हैं सारा कुछ। ये देखो पहले वालों पे सभी पे पेंट कर दिया एकदम नई जैसी होगी सारी, उन पे भी इन पे भी, ये थोड़ी खराब थी बदल के लेके आए हैं। तो भाई देखो सारी रेत उतार ली है, ये पूरी है 12 फुट, बहुत होगी, इतनी की और मंगवानी पड़ेगी। ये मिला नहीं अल्ट्राटेक का, तो ये लाना पड़ा। The next day. मेरा बापू वालिया खेत में बरसिन ले गए धूप के लिए, रहे नजर रहे दिशांत लग रहे हो रहे पेंट करना, ये जो यहाँ पे हमने बनवाना ना शेड, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको मैंने, यहाँ पे जो शेड बनेगा उस शेड के ऊपर जो लगनी है चादरें, ये वो चादरें सारी, एक दो तीन चार पांच, पांच पे ऑलरेडी पेंट हो चुका है, और ये छठी है जिसपे पेंट लग रहा है करण। माड़ी मोटी वो कोनी खेत में आयो भी, बंदा थक रहा है, आंधे फिर काम लग गए, कोनी चाहिए हमने, टाल करो बैठ जाओ, हाँ नींबू उठा लो जूस बना के पियो। देखो ये हो ग्राली का डर, मैंने चार बार कह लिया था चले जाओ काम नहीं करना, कोनी माने, मेरी माने एक बार धमकाया है, वो देखो जो आगे बैठे उसका कुर्सी पे जमा चुपचाप, वही कहू तीन बार नाट लिया मैंने, मेरे में कौन सा मान जाए। हाँ इसके गया मगर इसको कुछ नहीं पावर रहने दे, जेड़ा अपना पहले सोता है सारा। हाँ ना देखे हूँ एक बार, कुछ नहीं बांधा, एक बार देख तो आऊँ, और फिर 14.5 फुट कर कंधा बदर के आया पैदल। हाँ। और फिर उल्टा दे के आया, जलवा है हमारा। ये देखो शेड के लिए तीन और तीन छह पाइप आ चुकी है, और छह आ गए इसकी चादर, दो चादर में काम शुरू हो जाए यहाँ पे। अब देखो इतनी धूप आ रही है, धूप में बैठे हैं तो बार बार सर्द नहीं काम रहे, गाय भैंसों को भी अंदर कर दो कभी बाहर कर दो, तो रे शेड बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन आराम से बैठ सके रहे धूप में, अंदर गर्मी हो जाएगी, गर्मी में बैठना मुश्किल है, तो इस करके बाहर थोड़ी हवा भी लगती रहेगी और धूप ना लगे, इस करके शेड भी बढ़िया है। और असल रे गर्मा गर्म चा, वेरी गुड नंबर दिखाओ, वेरी गुड
लो भाई दिशांत का है रिजल्ट, दिखाओ कितने परसेंट है। तो भाई ये छोरा पिटन से बच गया, कितने 88% है, 88% आगे बच गया। इससे क्या था भी जासी तो नीचे आए, जितने नीचे उतने रेपटे बच गया। तो भी यो देखो यो बंदा तो हमने दो दिन पहले देखा था, कपड़े सीमदा टेलर, उसके बाद देखा पेंट करदा पेंटर, और ये देख लो चिनाई कर रहे हैं मिस्त्री। यो देखो यो जो पिलर काट है सारा, या दीवार जो निकलने लग रही है मेरी मां लग रही है खुद काटन, जो मतलब कमरा बनाना हमने यो गालांगे शेड, उसका सारा काम खुद करने देख लो वो मिस्त्री, यो ठेकेदार बैठे बैठे ऑर्डर चला रहे अड़े। जब हमने भी किसी ने मकान बनवाना हो कुछ तो ठेका दे सको, कोई दिक्कत नहीं, ठेक कर दे अड़ी, दोनों अवेलेबल है। तोली में बाल बढ़ जाएंगे इसमें, कटिंग करा कर देख, सिर पर लपेट लग रहे इसने, इसी को क्या करेंगे। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है कटिंग करा के, फीलिंग लाइट लाइट गार्डन गार्डन हो गया भाई, फ्लैट में काम करते करते ना अंधेरा हो गया बाहर, रात हो गई पूरी। देखो बाइक बाहर खड़ा है, बाइक अंदर कर देता हूँ, चलो तो गाइस अभी फ्लैट फ्लो करते हैं एंड। भाई आज तो पूरा दिन मतलब पता नहीं कैसे निकल गया, फ्लैट में काम चल रहा है ना तो वहीं पे काम कराते करते पूरा दिन ऐसे निकल गया, रात होगी पूरी। तो अभी स्लो करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।